अखंड भारत के सपने का एक एक स्टेप बढ़ता जा रहा है। राम मंदिर अब तक की भारतीय सनातनियों की सबसे बड़ी जीत है। 108 कुंडली अति विष्णु महायज्ञ की जाएगी, यह भारत के अमर जवान शहीदों को समर्पित की जाएगी। मात पिता गुरु संत मानस ना जानिए, यह सब है नंदोत्सव। छतरपुर के बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र किशन शास्त्री ने मार्च में होने वाली भागवत कथा और कन्या विवाह की तैयारियों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में बाबा ने बताया कि इस बार कन्या विवाह में जोड़े में बनने वाले दूल्हा दुल्हन को उपहार में गृहस्थी के सामान के साथ मोटरसाइकिल भी दी जाएगी। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के आमंत्रण पत्र मिलने की खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, यदि आमंत्रण पत्र नहीं भी मिलता तब भी वे अयोध्या जाते। चाहे कार्यक्रम स्थल पर उन्हें घुसने नहीं मिलता तो वे सरयू नदी में डुबकी लगाकर आ जाते। उन्होंने बागेश्वर धाम पर केंद्र की मदद से कॉरिडोर बनाने की उम्मीद जाहिर की। उन्होंने आगे बोला कि पीएम मोदी फरवरी महीने आबू धाबी जा रहे हैं, जहां विशाल मंदिर का वे उद्घाटन करेंगे, जो कि खुशी की बात है। उन्होंने एमपी की डॉक्टर मोहन यादव सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने पर उन्होंने कहा, मस्जिदों से तो लाउड स्पीकर हटना चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव में किसी विशेष पार्टी का समर्थन न करते हुए इशारों ही इशारों में कहा कि सनातन धर्म को मजबूत करने वाले लोगों को समर्थन देना चाहिए। वहीं उन्होंने पीओके मोदी के होते हुए भारत में आया ये भी कहा। वहीं उन्होंने एक बार फिर अपनी शादी की अटकलों को बल दिया कि वे कुछ वीडियो आए जो सनातन धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसमें उन पर शादी करने का दबाव कुछ लोगों ने डाला है, वे गलत है। वे अपने माता पिता की मर्जी से ही शादी जरूर करेंगे। पार्टी को जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आपकी जो गुरुदेव है वो लगातार मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार लोकसभा के चुनाव में अपने पक्ष को कहेंगे क्या बीजेपी का सपोर्ट? कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली की पार्टी, हम तो उनका सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात, हम यही प्रार्थना करेंगे, भारत में सभी समृद्ध और समझदार लोग हैं, अपनी मति अनुसार राष्ट्र हित में जिससे भारत का उत्थान होवे, सनातन का उत्थान होवे, उसको वोट दें। उनकी तरफ पड़ रहे तो हमने डाको देवी जी के योगदान जाना है, लेकिन अब क्या हो गया कि अभी कुछ पत्र आए, हम लोग एक लोग आते ही महापुरुष देवी हम अभी एक दो तीन महीने के अंदर ये बहुत ज्यादा बढ़ गया और बहने बड़ी भावुक रूप से आती, उसमें कोई संदेह नहीं, उनकी भावना होगी, हर भावना का स्वीकार। लेकिन एक दो पत्र जो उनको प्राप्त हुए, उन्होंने एक पत्र है जैसे चार पत्र हमने ऐसे छाटे, जिन पत्रों को उन्होंने कहा गुरु जी अभी पढ़ो, हमने पढ़ा, उसमें तरह तरह की बातें तो लिखी कि अंत में धमकी लिखी, अगर आप बरादरी के नहीं आएंगे तो हम आत्महत्या करेंगे, और तरह तरह की उन्होंने इमोशनली बातें लिखी। हम तो साधारण से तो डर गए, हमने अपनी पूरी टीम को बताया भाई ये लगेरिया वाले लेटर आए और इस प्रकार से बोले धमकी दे रहे हैं। तो परसों परसों हमने अभी एक वीडियो जारी किया, इस प्रकार का कोई विकृत ना करें, हम सनातन हिंदू समाज संस्कृति के सिपाही हैं, हमारे सनातन में माता पिता गुरु आज्ञा से संतुष्ट होता है, हमारी माता पिता जी जहाँ हमें आज्ञा देंगे हम वहाँ विवाह करेंगे, माता पिता की आज्ञा से करेंगे। लेकिन अब ये प्रपंचों को बढ़ते देख कर क्योंकि तो साधु को बर्बाद करना बहुत सस्ता है, इस देश में एक छोटा सा दाग जमीन के अंदर गाड़ देगा, इसलिए हमने प्रण लिया कि हम जल्दी इन सब कार्यों से फ्री हो, अपने मिशन में लगे रहे, आगे चलकर कालांतर में हमें बहुत कार्य करें, जल्दी ही हम जो है सहरा सजाने वाले हैं। ऐसा कोई निर्लज्ज दूल्हा होगा जो ऐसा बोलेगा? अब हमने तो नहीं देखी, आपने देखी हो, अखंड भारत के सपने का एक एक स्टेप बढ़ता जा रहा है। की बात करते हैं तो क्या लगता है आपके उससे बोलने से क्यों चाहिए आपको पीओ की बार बार आप पीओ की बात? अपने बाप की चीज नहीं मांगेंगे तो बाप दूसरों की मांगा, वो अपने बाप की बात होती है पीओ के,
कथा के माध्यम से क्या, हम तो अपने मजबूत नहीं है, हड्डी पसली हमारी कमजोर है, नहीं तो हम वहां ललकार करके ले लेंगे। वर्तमान भारत सरकार में इतनी दम है, वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री में इतनी सामर्थ्यता है, तो भारतीय नागरिक होने के नाते हमने भी वोट डाली है, तो हमारे वोट का अधिकार है कि पीओके को वापस बनाया जाए। बिल्कुल बेझिझक हमारे जीवन में हम जिससे जुड़े हम उसी से प्रार्थना करें, हम हनुमान जी से जुड़े उनसे हम प्रार्थना करेंगे, हमारे लिए वही सर्वस्व है। और आप लोगों को बता सकते जितनी हमारी स्वयं की सामर्थ्यता अनुष्ठान तक हम चूंकि आचार्य परंपरा की और सनातन परंपरा को मानने वेदिक परंपरा को मानने वाले हैं, हम प्रभु इच्छा पर बहुत भरोसा करते और कर्तव्य पर भरोसा करते, तो वर्तमान भारत सरकार कर्तव्य करे, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे मिशन सक्सेसफुल होगा। जो है हमारी वार्ता एक सरकार के अधिकारी महोदय से हुई और उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव रखने का प्रयत्न किया और भगवान की कृपा से वो बहुत जल्दी संपन्न होगा। बागेश्वर धाम परिक्षेत्र के अंतर्गत समस्त सनातनियों की आस्था और बागेश्वर धाम पर बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए यहाँ पर सरकार के साथ मिलकर के बागेश्वर जनसेवा समिति के सभी सदस्य और बागेश्वर जनसेवा समिति एक ऐसे कॉरिडोर का निर्माण कराने जा रही है जिससे आने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। आमंत्रण आया निश्चित जाएंगे, ऐसा हो सकता है ना भी आमंत्रण आता उस काम के लिए तो हम जबरदस्ती पहुंच जाते, भाई कोई घुसने नहीं देता तो बात अलग है, पर सर्जू जी में डुबकी लगाने दे देता। राम मंदिर अब तक की भारतीय सनातनियों की सबसे बड़ी जीत होगी। दूसरी बात, करोड़ों लोगों की आस्था के आराध्य प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य मंदिर में झोपड़ी से उठकर भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हम अब अपने मन से क्या प्रसन्नता व्यक्त करें, हमने एक बार कथा क्रम में बुला भी था, पुनरावृत्ति ये करते हैं, हमारा मन तो इतना प्रसन्न है। उस दिन तो हमारे मन में ये आ रहा कि अकेले में 4-5 महात्मा बैठा है, उन्हें पहले खूब दबा के रसगुल्ला खवाए और खुद खाए और फिर जय श्री राम वाला गीत बजा के अच्छा डांस कर लिया। हम तो इतने प्रसन्न है और हमारा मानना है कि इससे कहीं लाख गुना हमारे वीर हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे। साप्ताहिक से मध्यांतर की जा रही यह भागवत कथा भारत हिंदू राष्ट्र के कामनायक एवं 1 मार्च से 8 मार्च के महोत्सव के लिए जो कन्या विवाह होने वाला है उसके लिए समर्पित की जा रही है और आज से ही कन्या विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। बागेश्वर धाम पर हर वर्ष की भांति पंचम कन्या विवाह महोत्सव 2024 में 1 मार्च से 8 मार्च के अंतर्गत संपन्न होगा, जिसमें अनूठी बात यह है हम अभी गुजरात की यात्रा में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर गए, वहां के बीएसएफ बटालियन द्वारा एक धार्मिक सिपाही होने के नाते हमारा उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक स्वागत किया, हमारा हृदय गदगद हो गया। वहां के जो अधिकारी महोदय थे उन्होंने प्रवचन के लिए आग्रह किया, प्रवचन के बाद जब हमने बीएसएफ की समस्त टीम से जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगी हुई पाकिस्तानियों की नींद उड़ा रही थी उनसे पूछा कि हमारे लिए कोई आदेश, उन्होंने कहा कि गुरुजी आप सनातन के लिए कर रहे हैं, हनुमान जी की कृपा है आप पर, हम लोगों के लिए अगर कुछ आप कर सको तो सामने कर जी। हमने कहा हम आपके लिए तो करेंगे ही और वही पर हमने मन लेकर के मन में संकल्प ले लिया, बागेश्वर धाम पर 1 मार्च से 8 मार्च में 108 चूंकि हम तो आध्यात्मिक मार्ग के सिपाही 108 कुंडली अति विष्णु महायज्ञ की जाएगी, यह भारत के अमर जवान शहीदों को समर्पित की जाएगी और भारतीय आर्मी बहुत समृद्ध बने और भारतीय आर्मी का परिवार सुरक्षित रहे उनको समर्पित की जाएगी। मंदिर में आज तक सबसे बड़ी अहम भूमिका राम कार्य सेवकों जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदानी दी, जिनके कारण सरयू जी का पानी लाल हो गया था और उन पूर्वजों उन संतों को है जिन्होंने प्रण और तपस्या करके राम मंदिर बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने तपोबल को लगा दिया,
राम मंदिर बनाने की भूमिका में हमारे परम पूज्य जगतगुरु तुलसी पीठाधीश और धर्म चक्रवर्ती रामानंदाचार्य तुलसी पीठाधीश और पूज्य गुरुदेव भगवान जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के ललकार कर वेदों का प्रमाण पुष्ट किया था और राम मंदिर में एक रहती की तरह भूमिका वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी की भी है। बहुत आरएसएस स्वयं सेवक संघ के कार्य सेवकों ने जो बैक स्क्रीन में कार्य किया और बहुत जमीनी स्तर से जगाने का कार्य किया उसके लिए निश्चित रूप से यह भारत के समस्त राम भक्त ऋणी रहेंगे। कार्य को श्री बागेश्वर हनुमान जी बागेश्वर परिवार के सदस्यों द्वारा करवा रहे हैं। हमारे मन में आया कि बहुत दिन से हम लोग आप सबसे मिले नहीं तो कुछ बहाना हो जाए, बीच में चुनाव थे तो चुनाव में बुलाना विचित्र बहाना होता है। जानिए ताए न जानिए ढोर हाथ पिता गुरु संत मानस न जानिए यह सब है नंदकिशोर। रामचंद्र भगवान की जय। गौतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंद रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। अंजना नंदनम वीरम जानकी सोपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीता। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।